हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू नॉलेज चैनल में और उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। चलो बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट में क्या है और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, फटाफट अपडेट देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे गुड न्यूज़ से वोडाफोन के लिए, जो है जैसे कि मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। अगर किसी ने भी मेरा पुराना वीडियो देखा है, ज़्यादा नहीं 2 या 3 दिन पुराना वीडियो है, आप देख सकते हो मैंने प्रिडिक्ट करा था। उसमें बोला था कि अब वोडाफोन के अंदर इन्वेस्टर की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और अब वोडाफोन आगे ग्रो करेगा ही करेगा। सो आप देख सकते हो मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल 100% सही साबित हुई है। और जो भी वोडाफोन में पैसे बन रहे हैं जिनके, जो क्योंकि वोडाफोन का रेट आज के रेट में 10 रुपये पार कर गया है, सो एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब, ये तो इतना मैं डिज़र्व करता हूँ इतनी सटीक प्रिडिक्शन के लिए। सो आगे बढ़ते हैं न्यूज़ में। सो बेसिकली जो न्यूज आई है वो ये है कि अमेजन और वेरिजन ये वोडाफोन को लाइफलाइन दे सकते हैं और 14 मिलियन का स्टेक खरीद सकते हैं, 14 बिलियन का। सो दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है और भी इन्वेस्टर इसमें आएंगे और ये पैनी शेयर मल्टीबैगर बनेगा ही बनेगा। सो मान लिया इन पे कर्जा बहुत है, इनकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मेन इशू फंड का ही है और अगर फंड ही इनको मिल जाते हैं तो मे बी इनके लिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा मार्केट है। सो दो प्लेयर उसमें मेरे हिसाब से कम हैं उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए, ये इनको भी पता है और जो इन्वेस्ट कर रहा है उनको भी पता है। सो मेरे हिसाब से तो इसका फ्यूचर ब्राइट है और ये लोग चुकता कर देंगे जो भी AGR ड्यू है, 10 साल का टाइम है। सो होप इसमें पूरी पूरी है। और लेकिन न्यूज आते ही ये शेयर 7.5 रुपये टच कर गया था, 7.65 रुपये, और आज देखिए लगभग 50% रिटर्न इसने 2 दिन में दे दिया है। सो ये शेयर बिल्कुल बाउंस बैक वाला है, कभी भी ये 25% 20% 18% 10%, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई 5% 10% वाला सर्किट काम करता है। और दोस्तों ये बहुत अच्छी न्यूज़ है वोडाफोन का, वोडाफोन के लिए और जो भी शेयर होल्डर है रिटेल उनके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल और ऐसे ही मेरे साथ जुड़िए और सटीक अपडेट ऑन टाइम आपको इसमें मिलती रहेगी और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। अब बात करते हैं सबसे हॉट टॉपिक की, फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर रिटेल में लोअर सर्किट क्यों लग रहा है बार बार, और मेरे पास क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, बोर्ड मीटिंग का वेट करना चाहिए, क्या है। तो मैं अपनी राय आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग ईच एंड एवरी पॉइंट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके तभी डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये एजुकेशन पर्पज़ चैनल है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। और पहले तो सबसे पहले देख लिया जाए कि फ्यूचर ग्रुप के शेयरों की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, ये लगातार गिरते जा रहे हैं। सो बेसिकली आप लोगों को इसमें बड़ा सोच समझ के निर्णय लेना होगा आगे क्या करना चाहिए। और जो न्यूज़ है, जो अपडेट है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तुरंत। और जिसने भी मेरा लास्ट वीडियो देखा है, मैंने उसमें पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि कल भी लोअर सर्किट लगेगा और 2 बजे के बाद में भी पॉजिटिव साइन देखने को मिले, लेकिन उसके बाद भी मैंने बताया हुआ है आपको ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक रहेगा जब तक ये डील की रिकॉर्ड डेट फाइनल नहीं हो जाती और ये शेयर स्वैप नहीं हो जाते। सो एक न्यूज़ है या अपडेट है जो BSE के साथ पत्राचार किया हुआ है फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्स ने। सो वो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें। ये जो प्लस शेयर हैं उनको इन्वोकेशन कर रहे हैं, सो ये भी एक रीज़न हो सकता है आज लोअर सर्किट लगातार बढ़ने का। और आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इनके पास लगभग 30% की शेयर होल्डिंग है और जिसमें कि 4.5 लाख शेयर RBL वाले ये इन्वॉक कर रहे हैं। सो दोस्तों, जिनको इन्वॉक के बारे में पता नहीं है, जो नए हैं बिल्कुल इस लाइन में, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हल्का फुल्का नॉलेज पर्पज़ के लिए, कि प्लस शेयर जो होते हैं वो गिरवी शेयर होते हैं और वो प्रमोटर और शेयर होल्डर अपनी होल्डिंग गिरवी रख के उसके अगेंस्ट कुछ फंड फाइनेंस ले सकते हैं, उसे प्लस शेयर बोलते हैं, ठीक है। इसके अगेंस्ट में बैंक और NBFC लोन वगैरह देते हैं प्लस शेयर रख के, और कुछ बराबर वैल्यू का नहीं देते, उससे रिड्यूस वैल्यू में देते हैं फॉर सेफर साइड। और जो ये इन्वॉक वाला है, इन्वॉक के लिए 2 या 3 बड़े रीजन होते हैं तब जाके इन्वॉक होता है, या तो शेयर होल्डिंग पैटर्न शिफ्ट हो गया हो, या शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का रिड्यूस हो गया हो शेयर होल्डिंग, या तो
प्रमोटर का कंट्रोल रिड्यूस हो गया हो या फिर वैल्यू ऑफ शेयर गिर गई हो। सो ये बेसिकली रीज़न होते हैं जो जिनकी वजह से ये रिवॉक होते हैं और इनको जो लेंडर हैं अपने प्लस शेयर को इनवॉक कर देते हैं। सो बेसिकली मेरे हिसाब से ये भी एक रीज़न है, और दो रीज़न मैंने ऑलरेडी शेयर करे हुए हैं आप लोगों के साथ। फ्रैंकिन का जो पेमेंट था वो डिले हुआ था और उन्होंने ग्रेस पीरियड में पेमेंट किया था, सो एक रीज़न वो भी है। मंडे को एक हैवी सेल देखने को मिली थी फ्यूचर रिटेल के शेयर की, एक रीज़न वो भी है, और एक ये इनवॉक वाला रीज़न हो गया। सो ये मिला जुला के सब लोअर सर्किट का एक पार्ट है, हिस्सा है, जो ये लोअर सर्किट लगता जा रहा है। क्योंकि लोअर सर्किट लगता रहेगा तो जाहिर सी बात है जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका थोड़ा पेशेंस रखने की क्षमता थोड़ा कम होती है। सो वो लोग भेड़ चाल वाले हिसाब में आ जाते हैं कुछ लोग, और लगातार सेल पे सेल करने लग जाते हैं। सो मेरा तो यही मानना है कि जब तक हमें फ्यूचर इंटरप्राइजेज़ के शेयर नहीं मिलते हैं तो तब तक तो घबराना नहीं है, क्योंकि फ्यूचर इंटरप्राइजेज़ की शेयर की वैल्यू अभी भी ठीक ठाक है। और अगर हम कैलकुलेशन करें तो जिसने भी 130 135 तक लिया है उसको कोई लॉस नहीं हो रहा है। सो दोस्तों ये सब चीज़ें ध्यान में रखना और आगे बात करते हैं। ये फ्यूचर लाइफस्टाइल का पत्राचार है 1 सितंबर का, और इसमें बोर्ड मीटिंग के बारे में बोला गया है कि 7 तारीख को होगी और मे भी शायद 9 तारीख को ये रिजल्ट शेयर करेंगे। चांसेज हैं ये बोर्ड मीटिंग हो जाने के बाद ही पता लगेगा कि ये कब रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं और क्या आउटपुट आता है। सो मेरे हिसाब से आउटपुट सबको पता है, ईच एंड एवरी इन्वेस्टर को पता है कि सेल हुई नहीं होगी और बैलेंस शीट और कमज़ोर आनी है। सो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा। हाँ, उसके बीच में अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ आ जाए सो वो हमें लगातार ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये स्वैप नहीं होता तब तक हमें जुड़ा रहना है। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो डायरेक्टली मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप में मैं 15-20 वीडियो बना चुका हूँ और मेरी प्रिडिक्शन लगभग सही बैठती जा रही है। और आप लोग मेरा साथ दो, मेरा पर्पस यही है कि रिटेल इन्वेस्टर को लॉस ना हो। मेरा पर्पस कमाना सेकंड थॉट होता है, पहला है कि लॉस ना हो। सो मेरे साथ जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्यूचर इंटरप्राइजेज में पैनी नज़र बना के रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली सबको इसके शेयर मिलने हैं जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग। सो जब तक ये शेयर ऊपर है 15 रुपये से, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी घबराने की ज़रूरत है। और मैंने कल भी बताया था इसका चार्ट मुझे बिल्कुल बुलिश दिख रहा है। सो ये एकदम से ही आगे बढ़ना शुरू करेगा। सो उम्मीद करिए कि मेरी ये प्रिडिक्शन भी सही हो, क्योंकि अभी तक सब न्यूज़ निगेटिव आ रही हैं। जैसे ही पॉजिटिव आना शुरू होगा, जैसे ये स्वैप डेट आ गई तब भागेंगे शेयर, जैसे रिलायंस इन्वेस्टमेंट करेगा तब भागेंगे शेयर, और हो सकता है कि रिलायंस के साथ साथ कोई और भी इन्वेस्ट कर दे। और 1% ये भी चांसेज है कि अभी रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट की बात करी है, हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट को 13% से 50% कर दे, हु नोज़। सो दोस्तों ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, और ये सब ध्यान में रखने के लिए आप लोगों को अपडेट रहना पड़ेगा। सो मेरी यही राय है, आप अपडेट रहिए और समय समय पर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके और डिसीजन लीजिए। थैंक यू दोस्तों, इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कुछ एडलेस करना है तो मुझे बताइए। थैंक यू, बाय बाय।